हाय फ्रेंड्स, रीसेल की प्रॉपर्टी है ये 2 BHK का, जिसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, प्रॉपर्टी डीलर एंड चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर मीरा रोड मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में बने रहिए। इस पूरे 2 BHK की प्रॉपर्टी में दिखाऊंगा एंट्रेंस लॉबी और कहाँ पे ये बन रहा है, किस तरह इसका एंट्री गेट है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, साथ ही साथ आसपास की फैसिलिटीज़ क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, लीगल टाइटल इसका कैसा है, किस बिल्डिंग का किस स्टेज पे है और कितने माले का टावर है, वो सब कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो में बताऊंगा आपको दिखाते हुए। सब प्राइजिंग वगैरह भी सब बता दूंगा। इस पूरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आइए डिटेल में बात करते हैं देखते हुए। दोस्तों, एनजी सिल्वर स्प्रिंग ये प्रोजेक्ट का नाम है और ये मेन एंट्री गेट है। और धीरे धीरे मैं दिखाऊंगा कि कैसा कैसा बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन बनाया है। ये इसका मेन एंट्री गेट है प्रोजेक्ट का। एनजी सिल्वर स्प्रिंग प्रोजेक्ट का नाम है। 2 BHK की प्रॉपर्टी है ये। 999 स्क्वायर फुट यानी 999 स्क्वायर फुट का फ्लैट है ये। और जो मैं फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, 13 माले की बिल्डिंग है, 4 माले पे ये फ्लैट है। और आप देखेंगे एनजी का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है और सब उन्होंने टाइम पे डिलीवर किया है। बिल्डिंग की OC आ चुकी है, CC OC आ चुकी है और ये इसका किड्स प्ले एरिया है और BMC रिसीव्ड हो चुका है। BMC वाटर इसमें आ चुका है। ये इसका बाहर का स्पेस है। अभी इसमें कुछ 2 टावर 3 टावर और बनने वाला है और ये जो बन के रेडी हो चुका है, ऐसा कुछ 5 से 6 टावर इसमें आने वाला है ये पूरे कॉम्प्लेक्स में। जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे पब्लिक को ये पोजीशन देते चले जा रहे हैं। फ्लैट के साथ में ओपन पार्किंग अवेलेबल है। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है और ये बिल्डिंग का बाहर से एलिवेशन दिखा रहा हूँ मैं। ये सारे वीडियोस जो भी यहाँ पे ओरिजिनली बना हुआ है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कोई एनिमेटेड नहीं है, सब रियलिस्टिक है। एनजी बिल्डर का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे हैंडओवर हुआ है और अभी कुछ 4 से 5 प्रोजेक्ट मीरा रोड में इनका चल भी रहा है। ये एंट्री इनका बहुत ही खूबसूरत ब्लैक इटालियन मार्बल और ब्लैक ग्रेनाइट में काम किया है इन्होंने। दो हाई स्पीड लिफ्ट दिया है इन्होंने जो भी स्टेनलेस स्टील बॉडी में है। ये पूरा इसका एंट्रेंस लॉबी है और स्टेयरकेस है। ये स्टेयरकेस भी इन्होंने काफ़ी बढ़िया ब्रॉड बनाया है, पूरे इटालियन मार्बल में ही बनाया है इन्होंने। एरिया ये रामदेव पार्क आता है। इस फ्लैट का ऑल इंक्लूसिव प्राइस 84 लाख है, जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटीज और रीसेल का फ्लैट है, इसमें GST नहीं लगेगा। बिल्डिंग का पोजीशन हो चुका है, रेडी टू मूव है। आप जैसे परचेस करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद तुरंत आप चाबी लेके इसमें मूव हो सकते हैं या रेंटल इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। रेंटल इनकम इसका 19 to 80,000, मतलब 20,000 रुपये आपको रेंट आएगा इसका, जब आप परचेस करते हैं रेंट पे देना हो तो। ये इसका मैं आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिखा रहा हूँ फ्लैट का। फॉल सीलिंग, पेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब काम इन्होंने बढ़िया किया हुआ है। हॉल के बाहर ये 3 से 4 फुट की बालकनी है, फोर्थ फ्लोर से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ग्रिल वगैरह सब बिल्डर खुद लगा के दे रहे हैं। ये इसका डाइनिंग एरिया है, मैं विंडो के साइड से डाइनिंग का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम रिक्शा स्टॉप एंड बस स्टॉप। बिल्डिंग से जैसे बाहर निकलेंगे 1 मिनट की दूरी पे ही रिक्शा स्टॉप बस स्टॉप है, बहुत ही कनेक्टिविटी में बहुत ही पास में ही है। ये इसका किचन एरिया है, जिसमें मॉड्यूलर किचन और अपर कैबिनेट्स बिल्डर खुद बना के दिए हैं। फ्रिज स्पेस घुसते ही राइट हैंड साइड पे है। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही रिक्शा स्टॉप बस स्टॉप कहीं भी हाईवे पे जाना हो, स्टेशन पे, ये उसका वॉशिंग मशीन का एरिया है जो किचन में ही प्लेटफॉर्म के बगल में दिया हुआ है, बाहर भी दिया हुआ है, आप चाहे जहाँ रख सकते हैं। और इसका किचन का और बेडरूम का बालकनी पूरा जुड़ा हुआ है, बड़ी बालकनी है इसकी। बाजू में सिनेमैक्स थिएटर एंड मॉल है जो 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये इसका वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम। अभी फ्लैट खुला होने के कारण थोड़ा सा गंदा हो गया है, बट बहुत ही खूबसूरत और ब्रांडेड एसेसरीज के साथ बिल्डर बनाए हैं। जब आप फ्लैट लेंगे तो क्लीनिंग करके जब आपको देंगे ये, तब ये फ्लैट का एक्चुअल खूबसूरती दिखाई देगा आपको।
ये जो फॉल्स सीलिंग के लगे हुए हैं, एलईडी लाइट वगैरह सब लगा के देंगे बिल्डर आपको। ये बालकनी आप देख सकते हैं बेडरूम से लेके पूरा किचन तक जुड़ा हुआ है, पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं आप। मीरा भाईंदर रोड से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 से 7 मिनट का, जो मेट्रो स्टेशन आने वाला है मीरा भाईंदर रोड पे। और 10 मिनट डिस्टेंस है इसका ठाकुर मॉल, मैक्सेस मॉल, डी मार्ट, ये सब जो सुपर मार्केट्स हैं, इससे 10 मिनट का डिस्टेंस है। ये मास्टर बेडरूम घुसते ही इसका वॉशरूम है लेफ्ट हैंड साइड पे। और 5 से 7 मिनट यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे लगता है जब आप बाइक से जाते हैं तो। सब फैसिलिटीज़ आसपास में, कनेक्टिविटी सब आसपास में ही हैं। ये इनका फॉल सीलिंग किया हुआ है, एलईडी लाइट लगाना बाकी है। इसका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में भी 4 फुट की बालकनी दिया हुआ है। और ये सामने से व्यू दिखा रहा हूँ मैं, सामने वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है ताकि वार्डरोब आप बना दें तो पूरा बेडरूम आप यूज़ कर सकें। यह अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हम धीरे धीरे बाहर का एरिया पूरा देखते हैं। एनजी बिल्डर का काफ़ी सारा काम चालू है, सारे काम में बहुत बढ़िया क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करते हैं ये। इनका पैसेज है फ्लैट के बाहर, हर एक फ्लोर पे जो इन्होंने बनाया है। यहाँ पे विटिफाइड टाइल्स का यूज़ किया है इन्होंने, फॉल सीलिंग लाइट सब सिस्टमेटिकली काम किया है इन्होंने पूरे प्रोजेक्ट में। एक स्टेयर केस ये है, एक और स्टेयर केस, 2 इमरजेंसी स्टेयर केस इन्होंने बनाया है। हार्डली 20 से 25 मिनट यहाँ से गोराई बीच, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम और ग्लोबल विपासना पेगोडा मेडिटेशन सेंटर, ये सब 20-25 मिनट के ट्रैवलिंग पे ही है, जो आप इन सब चीज़ों का भी यहाँ रहते हुए हर एक वीकेंड पे इंजॉय कर सकते हैं। इसका 2 हाई स्पीड लिफ्ट है। ये पूरे फ्लोर है, ये पूरे फ्लोर पे जो फ्लैट्स और जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।